गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाना खेड़ी में एक ज्योति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ज्योति का नाम प्रवेश भाई अहिरवार बताया जा रहा है, जो कि नाना खेड़ी पर अपने पति के साथ रहती थी। युवती के पति ने जानकारी देते हुए बताया कि वह काम पर गया हुआ था, जब लौटा तो उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर झूली हुई थी। इसके बाद उसने उसकी सूचना पास पड़ोस के लोगों को दी, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं आया। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, वहीं पत्नी को फांसी के फंदे से उतार कर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कर जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहां रहते हो? नानाखेड़ी। ये क्या घटना हुई है? घटना जी भाई, मैं रहता नहीं घर है, 9:30 की बात यही, तो मुझे तो आन कर देखी फांसी टंगी मिली मिला ने। मैंने चलो सोई फांसी से उठा के फांसी काट के वहाँ मेरे गोदी में भरी, मेरी जिंदगी हुई थी, जाकर इलाज करा लो, मर गई थी। मैं बोलो मैंने कहीं अब क्या करूँ, मोहल्लेवारी ने आवाज दी, इस मोहल्लेवारी एक भी ना हो सोई ससुर का पहुँचो मैं, फिर भी मर गई फांसी लगा, फिर भी मर गई, अच्छी बात है ही। और मरी मिली। कितने बच्चे वगैरह हैं? दो। कुछ पता चल पाया क्यों लगाई फांसी? कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? नानाखेड़ी। कितनी उम्र थी इनकी? प्रवेश भाई की 30 35 की।